हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स आज हम एक टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या है और किस टाइप से ये टेस्ट सीरीज़ हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज़ को, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ को यहाँ पर लॉग इन करने का URL है, वो डालने के लिए www.talentonlineexam। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये URL है, ये डालना होगा और इसके बाद एंटर करना होगा। ये न्यू वेबसाइट है, स्पीड बहुत अच्छी यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे लॉगिन नेम और पासवर्ड डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टोटल जो टेस्ट हैं, जैसे कि 16 टेस्ट बैटरी होते हैं, तो यहाँ पे मतलब 16 टेस्ट बैटरी होते हैं। तो इसमें हर एक टेस्ट बैटरी पर 5 सेक्शनल वाइज टेस्ट है, मतलब टोटल हमारे 80 टेस्ट हैं। इसके साथ ही साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि प्लस में यहाँ पे हमें 20 फुल लेंथ के टेस्ट भी मिलेंगे, और ये पुरानी वाली टेस्ट सीरीज से बिल्कुल डिफरेंट है पूरा टोटल मटेरियल। और यहाँ पे फ्रेंड्स से मतलब तो ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स से मतलब जो पुरानी वाली टेस्ट सीरीज है जिसमें 50 टेस्ट अभी हैं, और यहाँ पे भी 10 टेस्ट ऐड किए जाएंगे। यहाँ पे भी अभी 10 टेस्ट ऐड हुए हैं और बाकी के 10 टेस्ट हैं वो 2 मई को जो रेलवे का डेमो आएगा उसके बाद में ऐड करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर डेमो में कुछ चेंजेस होते हैं तो जो 10 टेस्ट होंगे इसमें चेंजेस करके अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी 99% है कि कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। जो मतलब जैसे कि पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट है और क्यूब टेस्ट है वो ऐड है इस बार के सिलेबस में। ये मतलब RDSO के वेबसाइट पर दिया भी गया है, पिक्चर प्लेसमेंट और यहाँ पर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे मतलब टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ को लॉगिन करने के लिए आपको मतलब क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा 7017280400। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से देख सकते हैं। और आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज रिसीव होगा, उसी को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, टेस्ट सीरीज़ का इंटरफेस देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही जो लॉगिन नेम आपको मिलेगा मैं दूंगा और पासवर्ड दूंगा, तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, आपका इस तरीके से टेस्ट सीरीज खुल जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये टेस्ट सीरीज़ किन लोगों के लिए मतलब ज़्यादा हेल्पफुल है। देखो, एक तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, 20 सेट प्रैक्टिस करने के लिए मैं मानता हूँ काफ़ी है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। और यहाँ पे आपको मतलब ये सेक्शनल वाइज टेस्ट भी 80 मिल जाएंगे, तो आपकी तैयारी एक ऐसे लेवल तक आराम से हो जाएगी जिसमें आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी टेंशन ये टी स्कोर की आ गई है कि सर टी स्कोर मतलब टेस्ट सीरीज़ में है कि नहीं है। तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि देखो, टेस्ट सीरीज़ में इतना आपको भी पता होगा कि कुछ बंदे हैं जिन मतलब जिन वेबसाइट पे टी स्कोर अवेलेबल है, तो उन पे मतलब जो जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 20 या 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और ये 20-30 हज़ार वो बंदे हैं जो बहुत पहले से तैयारी करके टेस्ट दे रहे हैं और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जब ये अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो फ्रेंड्स एवरेज जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। और पता चल रहा है कि 60% स्कोर करने पे भी बंदा टी स्कोर में क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, ठीक है। इवन 65 पे भी एक बंदा मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, वो फेल हो गया था। तो लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रीज़न उसका ये है कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में देखो, हर तरीके का बंदा एग्ज़ाम में बैठेगा। एक वो भी जाएगा जिसके 32 मार्क्स हैं, एक वो भी जाएगा जिसके 32 मार्क्स हैं और जिसने तैयारी भी नहीं की वो भी जाएगा, ठीक है। हर तरीके का बंदा जाएगा, एवरेज मार्क्स हैं वो एवरेज ही रहेगा या जो अभी टी स्कोर आ रहा है इससे बहुत कम रहेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि 60 नंबर 65 लाने पे आप टी स्कोर में फेल हो जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पता चलेगा आप 50% मार्क्स पे भी आप टी स्कोर में फेल नहीं होंगे। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि मतलब सेफ़ रहने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप मतलब कोशिश करें कि हर एक टेस्ट बैटरी में 60% प्लस स्कोर करें, ठीक है। इससे कम ना करें, बड़े आराम से मतलब देखो, मतलब ये नॉर्मलाइजेशन है, मतलब
ये टी स्कोर नॉर्मलाइजेशन है, तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते ना, ये हमारे हाथ में नहीं है। जैसे अभी रेलवे ने इतनी बार पता चला 4-5 बार क्या कर रहा है कि रिजल्ट चेंज कर रहा है, अभी भी भरोसा नहीं है कब चेंज कर दे कब नहीं करे। ठीक है, तो जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम टेंशन नहीं लेंगे। हमारे हाथ में क्या है कि हम अच्छा स्कोर करें, तो हम कोशिश करेंगे कि 60% प्लस हम हर एक टेस्ट बैटरी में स्कोर करें। ठीक है, तो ये कहूँगा कि जो बंदे मतलब कट ऑफ के आसपास हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा उन्हें अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि 30% साइकोलॉजिकल टेस्ट का ऐड होगा, तो वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं उनके लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन जो वो एक वो बंदे जो 70 से 75% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज परचेस कर रखी है और वो इतना मतलब उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ मैं आराम से पास हो जाऊंगा, मतलब जिन्हें पासिंग मार्क्स चाहिए, वो क्या कर सकते हैं कि उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसे परचेज़ करने की, वो मतलब ऐसे ही पास हो जाएंगे, उन्हें ज़्यादा स्कोर भी करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली पास करने की ज़रूरत है। तो उनके लिए ऐसा नहीं है, इसे परचेज़ करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसे क्या मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि चलिए टेस्ट सीरीज को देख लेते हैं, इस तरीके से टेस्ट आपके खुल जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि देखो ये फिगर पोजिशनिंग टेस्ट, यहाँ पे 5 टेस्ट आपको हर एक टेस्ट बैटरी में 5-5, जैसे यहाँ पे देखो 5 टेस्ट ये हैं, अभी ओपन करके भी देखेंगे, ट्रैक मेमोरी पे 5 हैं और ये एसोसिएशन पे 5 हैं, पिक्चर नंबर पे और ये सब 5-5 हैं। मतलब कहने का ये हो गया कि यहाँ पे जो 5 टाइप के मेमोरी टेस्ट हैं इन पे 5-5 सेट होंगे, तो यहाँ पे 25 सेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या है कि वॉच टेबल में आपको वॉच पे 5 टेस्ट मिलेंगे और टेबल पे न्यूमेरिकल वाले 5 मिलेंगे और लेटर वाले 5 मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हेड एंड क्यूब पे 5 हैं, ब्रिक्स पे 5 हैं और इसके बाद यस नो पे 5 हैं फ्रेंड्स, डिजिट सर्च फाइंड 6 पे देखो 5 हैं, फाइंड 9 पे भी हैं, टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन ये न्यू आया है इस पे भी देखो 5 सेट हैं, सिमिलरिटी हेक्सागोनल सेम फिगर सब पे 5-5 हैं। यहाँ पे देखो कंप्लीट ALP साइको टेस्ट, यहाँ पे अभी 10 टेस्ट हैं और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, 10 टेस्ट आपके जो ऐड होंगे वो 10 टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 10 टेस्ट आपके जो 2 मई को रेलवे का डेमो आएगा तभी मतलब ऐड करने की सोच रहे हैं। ठीक है, डेमो आएगा तब ऐड करेंगे 10 टेस्ट आपके, और जो ओल्ड वाली टेस्ट सीरीज है उसमें भी ये 10 टेस्ट आपके ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अभी ओल्ड वाली टेस्ट सीरीज़ खरीद रखी है, तो ओल्ड वाली खरीद रखी है अभी उसी को लगाओ, पहले वो आप कंप्लीट करो, अगर उसके बाद टाइम बचता है तब आप दूसरी टेस्ट सीरीज़ की सोचो, अभी आपके पास जो है उससे प्रैक्टिस करो। कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो आपको मेन प्रैक्टिस से मतलब है फ्रेंड्स, जो टेस्ट सीरीज आपने जो मतलब इससे पहले परचेज़ की है 50 टेस्ट वाली, ये टेस्ट सीरीज हर जगह यूज़ हो रही है। ठीक है, तो बहुत बेस्ट टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे मतलब थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लग रहा होगा लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब इग्नोर मारो, क्योंकि हाँ एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर ये 75 मिनट आपके में टाइम है क्या टेस्ट सीरीज में, तो फ्रेंड्स देखो 71 मिनट तो देखो ऐसा है, इंस्ट्रक्शंस का जो टाइम है वो टेस्ट सीरीज में 1 मिनट है और रेलवे इंस्ट्रक्शंस में ये जो टाइम इन्होंने बढ़ा दिया है, तो रेलवे क्या करेगा 4 से 5 मिनट का इंस्ट्रक्शंस का टाइम देगा। इसे आप रेस्ट टाइम समझ लें, इंस्ट्रक्शंस का टाइम समझ लें। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये आपका जो टेस्ट सीरीज में टाइम शायद 35 से 40 मिनट होगा और इसमें ये जब ऐड कर दिया जाएगा तो 71 के करीब हो जाएगा। ठीक है, और टाइमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा RDSO का पैटर्न है वैसे ही सब कुछ डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। चलिए चलिए फ्रेंड्स कुछ टेस्ट को यहाँ पे ऑन करके देखते हैं कि कैसा इंटरफेस आता है। तो चलिए मेमोरी टेस्ट का ही कोई टेस्ट ऑन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये टेस्ट ऑन किया तो अच्छा ये टेस्ट पहले से मतलब चेक कर लिया था, तो फिर से देखते हैं दूसरा वाला टेस्ट। तो यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला टेस्ट ऑन किया तो यहाँ पे इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा, इसे स्किप करते हैं तो आपका इस तरीके से टेस्ट खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे ये टाइमर चल रहा है, इसके बाद देखो मतलब बहुत अच्छा स्पीड अच्छा रहा, देखो तुरंत यहाँ पर टेस्ट खुल गया ये। ठीक है, इसके बाद कुछ भी यहाँ पर जैसे कि ये आपने यहाँ पर टिक लगा दिया कुछ क्वेश्चंस को, यहाँ पर सेव करते हैं
तो जैसे कि ये शायद दूसरा आ गया है, इसमें भी एक दो लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे सेव किया, इसके बाद तुरंत रिजल्ट आपका शो हो किया गया। देखो जैसे टोटल 40 क्वेश्चंस थे, 7 आंसर्ड किए गए और नॉन अटेम्प्ट नॉन आंसर्ड इतने थे, 3 राइट हैं और 4 मतलब रॉन्ग हैं। इसमें आप अपनी एक्यूरेसी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फिर से टेक टेस्ट पे जाएं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी ये है कि जो वॉच टेबल के टेस्ट हैं ये यहाँ पे हिंदी में ही, हिंदी लैंग्वेज में ही अपलोड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच टेबल के टेस्ट को जल्दी ही इंग्लिश में भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे ओनली हिंदी लैंग्वेज में अपलोड किए गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज में अपलोड कर दिया जाएगा। और मैं उन लोगों के लिए, खासकर जो साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं, इन्हें इन लोगों के लिए यही कहूँगा कि आप लोग क्या करें, टेस्ट सीरीज से वॉच टेबल के क्वेश्चंस को लगाने की जगह आप ये करें कि मतलब बुक को फॉलो करें। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो टाइम मेन क्राइटेरिया है नहीं वॉच टेबल में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि हर एक टेस्ट सीरीज़ चाहे कोई भी हो, यही है कि वो लोग मतलब क्या करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चंस को मतलब जो गूगल ट्रांसलेटर है तो उसकी हेल्प से मतलब ट्रांसलेट कर देते हैं, जिसका कोई भी मतलब एक्चुअल में सही से मीनिंग नहीं निकलता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोई सी भी मार्केट में जो इंग्लिश में बुक हो तो उसको आप चेक करके वहाँ से वॉच टेबल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 10 क्वेश्चन 5 मिनट का टाइम होगा, तो टाइम तो सफिशेंट है। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बाकी का ये है कि यहाँ पे भी 2 से 3 दिन में अपलोड करवा दिया जाएगा वॉच टेबल का। तो बाकी का सब कुछ, किसी में कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे और कोई जैसे कि एक देख लेते हैं वॉच ये टेबल वॉच का ही ऑन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला टेस्ट दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रेंड देखो जैसे सॉल्यूशन वगैरह है, बहुत जल्दी खुल जाएगा यहाँ पे। देखो जैसे कि चलो अगले में ही देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे चलो ये क्वेश्चन ऑन कर दें, सेट ऑन कर दें, ये भी पहले से अटैम्प्ट है। यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और मैं यही कहूँगा फ्रेंड, सॉल्यूशन को भी सेव कर लिया करो और थोड़ी ऑफलाइन भी प्रैक्टिस इससे भी कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी कोई उसमें जिसमें जैसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं यही आप लोगों को कहता हूँ हर बार कि मेमोरी टेस्ट की भी आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बाद में आप वॉच टेबल की तो कर ही सकते हैं, और इसके बाद में अगर क्यूब और ब्रिक्स में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो क्यूब की भी आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी की लास्ट की 2 टेस्ट सीरीज हैं 4 और 5, इनकी ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में ऑनलाइन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो वॉच टेबल का सारे अटेम्प्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक और इस तरीके से, सारे टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट दिखा रहा है ऐसा, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। हाँ, इस तरीके से आपके इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगी, यहाँ पे इसे स्किप करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस खुल जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस में जैसे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट आप जब करेंगे तो आपके इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे टेबल का था तो टेबल का ही देखो आ गया। ठीक है, यहाँ पे गेट सॉल्यूशन करेंगे तो गेट सॉल्यूशन तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छा सर्वर वर्क कर रहा है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इंटरफेस यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो बाकी का वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ मतलब अपने शेयर करें। बाकी का मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस पॉइंट मतलब किस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रैक्टिस को करते रहें। ओके, बाय बाय।